करता हूं कि आज हमारे मुल्क में, खासतौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुबहानहू तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं। जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुरका पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप